नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला का स्पेशल चुनावी प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। इसी संग्राम को कवर करते हुए आज हम पहुंच गए हैं हरियाणा के गुरुग्राम में, यानी गुड़गांव में। हम मौजूद है यहाँ के लेबर चौक पर। आइए बात करते हैं आम आदमी से कि उसकी क्या समस्याएं हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन भी है। शाम 5 बजे के बाद आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं यहाँ के आम आदमी से और उसे जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके मूलभूत जो समस्याएं होती हैं एक आम आदमी की। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, अपनी गुड़गांव विधानसभा को लेकर। क्या नाम है आपका? रतास। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से यहाँ गुड़गांव में काम कर रहे हैं। क्या क्या समस्याएं आपको यहाँ महसूस हो रही है, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? वो तो कोई दिक्कत ना आया। कोई दिक्कत नहीं आ रही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला। आप कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल। अच्छा, यहाँ क्या क्या समस्याएं आपको हो रही है, क्या काम करते हैं आप यहाँ? मेन बात है इतना पब्लिक आपको दिखाई दे रहा है भाई साहब, इतना पब्लिक आपको दिखाई दे रहा है, किसी का हाथ में काम है क्या सही ढंग का? किसी का हाथ में कोई सही ढंग का काम नहीं है। और यहाँ पे आता है मालिक, कोई भी आता है कस्टमर तो लेने के लिए आता है बंदे को काम करने के लिए, और कई कई तो पैसा काम तो करा लेता है, पैसा भी डूबा जाता है। अच्छा, पैसा काम हो जाता है लेकिन पैसा नहीं मिलता? पैसा नहीं मिलता है सही टाइम पे। और पैसा क्या बोलता है, जोर जबरदस्ती उसको बुलाया जाता है कि काम करना पड़ेगा, काम करके धमकी देके काम करा लिया जाता है, समझ गए? धमकी देके भगा दिया जाता है। तो इसका इसका दोषी आप किसे मानते हैं अभी आप? चौक से नहीं, हर चौक से हो रहा है आजकल, इल्लीगल हो रहा है ये सब, हर जगह से ही हो रहा है, मजदूर आदमी को रोड पे लाने के लिए। आपका क्या नाम जी? उमा संगरगिरी, गोपालगंज भी है, बिहार। बिहार से हैं आप? कब से हैं यहाँ पे? मेरे को 2 साल हो गया, 90 रुपए मजदूरी था तब से हूँ। रोजगार के लिए आए यहाँ पे, कैसा चल रहा है रोजगार? रोजगार कम है, रोजगार है नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पर कोई भी काम होता है कोई सुनवाई नहीं, ना पहले का सरकार हो, कोई पहले का सरकार हो चाहे नया सरकार हो चाहे पुराना सरकार हो, यहाँ बाथरूम में करने जाते कोई, यहाँ बाथरूम का सेफ्टी नहीं है, बाथरूम का भी यहाँ सेफ्टी नहीं है, कहीं भी बाथरूम करेगा 500 रुपए पलांटी मारते हैं, 500 रुपए पलांटी मारते हैं। क्या पहले का सरकार हो चाहे नया सरकार बने, सरकार बने मजूरा कहाँ से पैसा देगा, कमाएगा नहीं कहाँ से देगा? अब भाई कोई दे दिया पहन लिया, क्या करेंगे, दे दिए तो पहन लिए। कोई पहले का सरकार हो चाहे नया सरकार बने, कोई भी बने हमारे कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बढ़िया बने हमारे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए बाथरूम करने के लिए भाई, टॉयलेट करने के लिए। यहाँ इधर बोर्ड लगाया कि भाई बाथरूम करोगे 500 लगेगा, उधर बोर्ड लगाया कि 500 10 रुपए लगेगा, 500 रुपए लगेगा। तो भाई जो सरकार पहले का हो चाहे नया हो, कोई बने भाई लेबर को कुछ सुविधा दीजिए, कुछ भी करिए, कोई भी सरकार बने, पहला हो चाहे दूसरा हो तीसरा हो, कोई भी सेवा करे यहाँ पर कुछ करे तो वोट तो जरूर मिलेगा, वोट देंगे, वोट देने के लिए हम लोग मना नहीं है, लेकिन कुछ हम लोग को भी कुछ मिलना चाहिए। मतलब आपके जो मुद्दे हैं वो पूरे होने चाहिए, जो आपकी मांगे मूलभूत क्या क्या मांगे हैं आपकी? एक तो चलो शौचालय की मांग हो गई यहाँ पे, दूसरा नौकरी भी मिलना चाहिए, नौकरी रोजगार मिलना चाहिए, बाथरूम मिलना चाहिए। कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम बिहार से आए, परदेश से यहाँ, दूसरे देश में दूसरे राज्य में पड़े हुए हैं, उसकी भी कोई दिक्कतें सामने आती हैं, उस तरह की भी कोई चीजें होती हैं? 3 महीने से नौकरी नहीं, 3 महीने से बैठक है, 3 महीने का 15,000 रुपए रूम किराया बढ़ गया, और रोज रूम मालिक बोलता है भाई किराया दो, कहाँ से काम लगा नहीं तो किराया कहाँ से देगा भाई, 3 महीने से ऐसे बैठक ही लग गया है, कोई देगा कौन सा? वोट जिताने के लिए कोई भी दे देगा, चल भाई 500 रुपए, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से पकड़ के बंदा लेकर आ जाएगा 500 रुपए में, उसको दे देगा 500 रुपए, चल भाई मेरा वोट जीता दे भाई, जो यहाँ पर है उसको जिताएगा कि जो बाहर से बंदा लेकर आएगा उसको जिताएगा? तो ये टी शर्ट जो अभी आप जैसे बताया कि किसी ने दे दी पहन ली, तो पहनने का इसका असर भी दिख रहा है क्या? कुछ असर है, जो जिताएगा उसको हम लोग वोट देंगे, या सेवा होना चाहिए, सेवा देंगे पूर्वत तो करिए। ये कहा जाता है ना कि पहले लोग नेता वोट मांगने आ जाते हैं, फिर उसका जब जीत गए तो उस पर देखते नहीं है, तो वो वाली सिचुएशन आ गई, तो वही आता ही है, नहीं जीते तो हाथ जोड़ेंगे, जीत गए तो कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। क्या नाम बताया आपने अपना? उमा शंकर गोस्वामी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम बता था जी? आपका क्या नाम है? सुभाष। आप कहाँ से आए? मैं यहीं से हूँ जी।
जी? हरियाणा, यही से। यहाँ के होने के बावजूद ये सब लोग बाहर से आए हैं आपके शहर में, इन लोगों ने जो समस्याएं बताई आपको भी वही समस्याएं लगती है, क्या क्या दिक्कतें आपको महसूस होती है? सबको वही समस्या है जी हाँ। जैसे क्या क्या? काम धंधा मिलना चाहिए, कंपनियों में ठेकेदारी नहीं होनी चाहिए, जो नौकरी सबको मिले। अगर ठेकेदारी रहेगी तो 11,000 में कौन नौकरी करेगा कंपनी में? वो चौक पे ही आएगा मेहनत मजदूरी करने। अगर सबको 15-16 हजार रुपए मिले तो कोई चौक पे नहीं आएगा। तो कम से कम ये जरूरी होना चाहिए हर किसी के लिए। और इसके अलावा बच्चों की शिक्षा वगैरह को लेके कोई बात? वो सब चीज होनी चाहिए। मेरा अमित कुमार नाम है, मैं यूपी से हूँ, जिला रायबरेली में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो यहाँ पे दारू बंद कराइए, सबसे पहले दारू बंद कराइए, क्योंकि दारू से बहुत अनलीगल काम हो रहे हैं। दारू से बहुत सारे अनलीगल काम हो रहे हैं। अगर बंदा दारू पिएगा तो उसके पास लैट्रिन बाथरूम करने के लिए 10 रुपए कहाँ से बचेंगे? अच्छा ठीक है, उसके बाद यहाँ पे काम लाइएगा। मतलब सबसे पहले यहाँ जो 24 घंटे दारू मिलती है वो बंद की जाए। हाँ, दारू बंद की जाए। ठीक, उससे सारे बंदे खुश रहेंगे, काम भी करेंगे, पैसे भी बचेंगे, क्योंकि कोई 100 कमाता 200 कमाता उससे दारू पी आता है। उसके बाद उसके पास खाने के पैसे नहीं रहते, बाथरूम के पैसे नहीं रहते, कहाँ से पैसे आएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा अमित कुमार नाम है। कहाँ से बताया आपने? यूपी रायबरेली। रायबरेली से। सर मैं भी यूपी से हूँ, मेरा नाम राहुल है। हमारे यूपी में 10 बजे ठेका खुलते हैं, रात को 10 बजे बंद है। हमारे यूपी में ये होता है कि मतलब 10 बजे ठेका खुलेगा तो बंदा सुबह से 10 बजे तक खाना खा लेगा, पर हरियाणा सरकार में ये है कि 7 बजे बंदे को ठेका खोल देते हैं, पौवा पी लेते हैं, यहाँ काम नहीं होता है, कहते करते ही नहीं है। ठीक है, ठेका खुलना चाहिए 10 बजे। हरियाणा सरकार में हर जगह पे 10 कदम पे चलो ठेका है, 15 कदम पे चलो ब्लैक में बेच रहे हैं। 60 रुपए का ठेका ठेका पे मिलते हैं और 50 रुपए का, 35 रुपए का, 45 रुपए का क्वार्टर देते हैं ब्लैक में, क्योंकि हमारे यूपी के ही बंदे, यूपी बिहार के हमारे बंदे ज्यादातर चौक पे होते हैं ना। ये 60 रुपए का पुआ, 50 रुपए का पुआ सर सवेरे पी लेते हैं। ये दारू अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, 10 बजे ठेका खुलना चाहिए। ये हरियाणा सरकार खट्टर से। नहीं, अब तो सीएम भी आपके बदल गए। हाँ सीएम, मैं भी तो यूपी का। अच्छा ठीक है, तो यहाँ क्या काम करते हैं, यहाँ कब से हैं आप? मैं यहाँ 6 महीने हुए हैं। हमारे आधे लेबर चौक पे बीए फाइनल, कोई बीकॉम किए हुए है, कोई इंटर पास किए, कोई हाई स्कूल पास किए। आपने कहाँ तक पढ़ाई की? बीए कर चुका हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से, पर फिर 6 महीने से नौकरी नहीं मिल रही है। जीबीएम जाओ कहीं, यहाँ पे तमाम कंपनी है, 405 कंपनियां हैं, पर काम 13,000, 11,000, 12,000। 60 रुपए का प्याज है, 80 रुपए में टमाटर है, कमरे का किराया 4,500-3,500 है, बंदा 11,000 में फैमिली नहीं रख सकता है। फिर यहाँ के लोकल बंदे दिहाड़ी करने हम लोग जाते हैं, काम करवा लेते हैं, गाली भी देते हैं, पैसे भी नहीं बाजी दिन देते हैं। शिकायत करते हैं अब कि भाई इनने पैसे नहीं दिए, ये नहीं किया। 443 में मैं 37 सेक्टर काम करने गया, 10 बंदे गया सर, एक मिनट, 10 बंदे गया 37 सेक्टर 443 फैक्ट्री में। उसने कहा कि काम करो, मैं हम लोगों ने वहां झूठ बोल के ले गया, हम लोगों ने काम किया, पैसे नहीं दिए। पुलिस वालों को भी फोन किया 112 पे, पर पुलिस वाले आए, पर वो लोकल के, वो भी पुलिस वाले थे, ठीक है, पर वो भी लोकल के कंपनी वाले थे, ठीक है, पर पैसे नहीं दिए, चले आए हम लोग सुबह। पुलिस ने भी आपकी मदद नहीं की वहाँ पे? नहीं कहे, पुलिस भी नहीं मदद करती, अगर लोकल के फंस गया तो पुलिस भी नहीं मदद करती है, ठीक, उन्हीं की मदद करती है। ये हरियाणा में सबसे गंदा शहर मेरे को दिखा, यहाँ लोकल की लोकल ही मदद करते हैं। हम लोगों गरीबों की कोई नहीं, यूपी बिहार राजस्थान सारे प्रदेश के पड़े हुए हैं, कोई नहीं, हम लोग गरीब आदमी है, कोई 400 कमाता कोई 500 कमाता है, पर वो भी उसमें भी बेईमानी कर लेते लोग हैं जी। आपका क्या कहना है, आपका क्या नाम है? सुनील राजपूत सर। आपकी क्या समस्या है, आप किस मुद्दे को लेके आप वोट करेंगे और सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? मेरा तो पहली बार सर यहाँ पे अभी वोट नहीं है जी। कोई बात नहीं, फिर भी आपकी यहाँ कब से काम कर रहे हैं आप? हम तो आए हुए सर सन 2011 से हैं। 2011 से आप ही गुड़गांव में हैं, कब तक क्या क्या समस्याएं आपको लगी कि यहाँ पे आपको क्या क्या दिक्कतें महसूस हो रही है? सबसे परिवार भी आपका यही रहता है? परिवार यही रहता है, अभी तो फिलहाल के गाँव में है जी। बताइए, सबसे बड़ी समस्या तो सर यही है जो भैया ने अभी बताई है कि अगर काम करने जाओ वहाँ पे बैलेंस भी नहीं मिलता है तो बहुत दुख भी होता है और गुस्सा भी चढ़ती है। अगर पुलिस से कंप्लेन करो या फोन छीन लेते, शाम को 4 बजे आप देखना इसमें कि ये लोग घूमने लगते हैं। अगर आप इधर उधर कहीं भी लेटे हो तो कभी जेब में हाथ डाल के बैलेंस है वो निकाल लिया, कभी फोन निकाल लिया। आप अगर 112 पे कॉल कर रहे हो तो पुलिस नहीं सुनेगी। सबकी निगरानी करने के लिए यहाँ पुलिस व्यवस्था? कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं, वो दिन में ही घूमते रहते हैं।
शाम के 4 बजे से शुरू हो जाएंगे, कौन किधर सो रहा है, कोई बेचारा अगर रूम का भाड़ा नहीं दे पाया तो बाहर सो रहा तो उनको टटोना चालू कर देंगे। सबसे बड़ी सर समस्या ये है यहाँ पे इसको। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से? सर मेरा नाम लखनलाल है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। यहाँ कब से हैं आप? सर मैं 1991 से हूँ यहाँ। 1991 से आप यहीं पे हैं, तो वोट सब आपके यहीं पे है। अच्छा, तो आपको क्या समस्या लगती है यहाँ पे? सर यहाँ समस्या क्या है कि जिन लोगों को फायदा मिलना चाहिए वो यहाँ खाद्य सुरक्षा का जो फायदा मिलना चाहिए, अन्न धन और जैसे राशन है, सर जिनको देना चाहिए ना उनको नहीं मिल पा रहा है। हाँ, ये मैं पीएम मोदी से भी डायरेक्ट, आप वीडियो भी बना लो, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ पीएम मोदी से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन लोगों को फायदा चाहिए उन लोगों को फायदा दिया जाए सर। जैसे? और जैसे कि घर में बेटा कर्मचारी है, नौकर भी है, उन लोगों को तो फायदा मिल रहा है। जिन लोगों के पास में जमीन भी नहीं है, जिन लोगों के पास में कुछ 2 पैसे का कोई रोजगार भी नहीं है, उन लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मोदी जी कैसे भी करके इन लोगों को, जिन लोगों को फायदा लायक है उन लोगों को फायदा दिया जाए, और जो लोग बेरोजगार है उन लोगों को बेरोजगार की संपूर्ण इमरती देनी चाहिए। कि सर जो लोग बेचारे भटकते हैं, इधर उधर काम भी करते हैं लेकिन शाम को मजदूरी ना मिले। एक बात बताओ सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ राजस्थान से होके कि जो लोग काम करते हैं उनको शाम को मजदूरी मिलनी चाहिए। मोदी जी बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लायक हैं, इंसान जो लायक हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, पर बेईमानों का राज बदल दो। क्या बात, जय हिंद। क्या नाम बताया आपने अपना? लखन सर। बहुत बढ़िया, आपका क्या मुद्दा है? इन्होंने जो भी बोल दिया अंकल जी ने वो ही बिल्कुल भी सही है, कोई भी जो भी। हाँ, तो इतना ही चाह रहा हूँ मैं खुद, मतलब यही कि जो हमारा मजदूरी है वो शाम को टाइम पे मिल जाए, यही सब ना जी। आपका क्या नाम है? राम अशोक। अच्छा, आप कहाँ से? यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी में अम्बेडकर नगर जिला। अच्छा, यहाँ कब से हैं आप? यहाँ हैं हम 2003 से। 2003 से। आपकी क्या समस्या है यहाँ पे? आपको क्या लगता है कि क्या गलत चल रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, और क्या किस चीज में सुधार हो जाए जिससे यहाँ का जो लोग, आप लोगों की समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगे, वो सुधर जाएंगे? सर पहले तो हम, आप हमारे यहाँ पर समस्या पूछने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। और हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार कोई हो हमसे इसे एलर्जी नहीं, यह है कि हमको देश छोड़ के आए हैं मजदूरी करने के लिए, हमारा अपना अपना क्षेत्र छोड़ के आए हैं, और यहाँ पता लगा कि अब आ गया प्रदूषण से काम बंद करो, काम बंद हो गया, जो ठेकेदार हैं क्या करें, मजबूरी कहते 500-300 में काम कर लो, 4 दिन भूखे सोए, अंत में बताओ हम वहां से छोड़ के आए, हमको भी परिवार हैं, बच्चे हैं, सब देखना है, हमें हमारे मेहनत के अनुसार मजदूरी ना मिलती। दूसरी बात, कोई आता है नेता कहता हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमें सरकार बनाओ। सरकार तो बना दिया लेकिन ये गरीब जनता के लिए कहीं पेशाब करने के लिए नहीं, कहीं ऊपर से पानी आ जाए तो कहीं छत सर छुपाने की जगह नहीं है। हम उस सरकार को चाहे जो हमारी मदद करे गरीबों की, वही हमारे लिए सब उत्तम है, चाहे सरकार हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा नहीं है कांग्रेस, कोई भी सरकार हो हमसे इससे एलर्जी नहीं है। जो गरीबों के हक में काम करे वही हमारे लिए उसके जय जयकार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि ये बेरोजगारी तो है ही, और काम पे लोग जाते हैं ना तो ये ठेकेदार लोग जो है ना वो पैसा खा जाते हैं, मालिक तो दे देता है, वो नीचे वाला ठेकेदार गायब कर देता है। शिकायत नहीं करते हैं आप? शिकायत कितने को करे ये बताए, अकेला आदमी कितने को शिकायत करेगा, शिकायत करने से कहां क्या क्या। यहां तो आपकी पूरी फौज है, सारे लोग हैं आप एक साथ होके सुनते नहीं है ना। अब मान के चलिए किसी को एक डंटा लगे बिना मतलब का तो 10 भागते, आपको पता ही है, कहीं लड़ाई हो तो 100 लोग आ जाते हैं लेकिन कोई लड़ाई छुड़ाता है? आप ये बताइए, 2 आदमी जब लड़ रहते हैं रोड पे तो कोई जाता है जल्दी छुड़ाने? नहीं जाता है, सोचता है चलो मरने दो उसको। अगर वही साथ कहाँ है? कोई साथ नहीं है, बस दिखावे के लिए सब साथ हैं, कोई साथ नहीं। ठेकेदार लोग पैसा देते नहीं है, इतने लोग भटकते हैं
बुरा हाल है, बहुत स्थिति। मालिक तो दे देता है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो जहां जहां काम पे गया मालिक थोड़े जाता हूँ, वो पैसे शाम को दे देता है। ये ठेकेदार लोग खा जाते हैं, मेरा भी 4-5 जगह खा गया। कई लोग बोले कि लेबर उस पर कॉल करो, कोर्ट जाओ। अब बंदा एक दिन कोर्ट जाएगा तो यहाँ काम ही नहीं करेगा, क्या खाएगा? वो पैसे भी तो होने चाहिए कोर्ट कचहरी लड़ने के लिए। और जो प्रशासन का जो काम है वो समय से जो ही है देखभाल। कई लोग जाते हैं काम पे, शाम को दारू पी के पता चला ठेके पे ही है, रात भर में सोते सोते पीते पीते मर जाता है, पता ही नहीं लगता। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, ये कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? नाम शकुंतला है। कहाँ से हैं आप? बिहार से। यहाँ कब से काम कर रहे हैं आप? 15 साल से। 15 साल से यही गुड़गांव में है आप। आपकी क्या क्या समस्या है, आपको क्या लगता है कि क्या सुधार होना चाहिए? मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा नहीं कोई देता, कोई नहीं है। क्या क्या नहीं मिलता आपको? पैसे नहीं मिलते? कुछ नहीं मिलता, राशन कार्ड भी नहीं बनाता कोई। अच्छा, और यहाँ जो मजदूरी वगैरह करते हैं उसका पैसा मिलता है क्या टाइम पे? हाँ मिलता है, 400 रुपया मेहनत करता हूँ तब मिलता है, फ्री के नहीं मिलता पैसा। अच्छा, और मतलब सरकार से क्या क्या मांगे, क्या हो जाना चाहिए जिससे आपको लगे कि थोड़ा आप में आपको सुकून मिल गया है? सरकार मर जाओ, सरकार नहीं चाहिए मेरा के। सरकार ही नहीं चाहिए? नहीं, करता तो क्या फायदा, भूखे मरता हूँ मन ही। हाँ, कुछ नहीं देता, कुछ नहीं भलाई करता कोई, पूरा अपना फायदा का कमाता है। आपका क्या नाम है? ममता। आप कहाँ से? हिसार से। हिसार से। तो यहाँ कब से हैं? यहाँ कब से काम कर रहे हैं? हमके 30-35 साल हो गए। 30-35 साल से आप यहीं पे हैं? क्या समस्या है आपको, आपको क्या लगता है कि क्या चीज यहाँ सुधार दी जाए, क्या सरकार से आप मांग करेंगे? आयुष्मान कार्ड बनवा दीजिए, राशन कार्ड बनवा दीजिए। राशन कार्ड वगैरह बना नहीं है आपका अभी तक? नहीं बना। अच्छा, यहाँ वोट भी, इलेक्शन भी आ गया है दादा, आप बैठ जाइए। इलेक्शन भी आ गया है, किस आधार पे, किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? हमें कोई पर मुद्दे पर कोई से किसी को दे देंगे वोट, वोट देने में तो किसी को दे देंगे, बाकी किसी को कैसे दे देंगे? अभी आपकी आप कह रहे इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुधारने के लिए उन नहीं देते हैं, तभी भी हम वोट दे देते हैं, वोट देने में क्या है, दे देते हैं। वोट तो कुछ सोच समझ के देते होंगे ना कि हम इसे दे देते हैं तो चलो हमें लाभ मिलेगा? नहीं मिलता है मुझे, कुछ नहीं मांगता उसका मिलता है, मगर गरीब के नहीं समझता, वोट देने के बाद बिस्तर जाता है। मैं गांव में भी दे रखा हूँ, कोई नहीं भलाई है, हम किसी के नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बिरजू दास। उधर देखिए, मेरा नाम है बिरजू दास, हम कहाँ से? आप बिहार का रहने वाले हैं। हमारा मोदी जी से यही विनती है कि जैसे हम लोग बिहारी मजदूर परदेश में कमाने के लिए आते हैं, और यहाँ का परदेशी आदमी सब कहीं पे मजदूरी करने जाते हैं तो बदमाशी के दौर से हम लोग को काम कराने के बावजूद पैसे नहीं दिया जाता है, कभी मारने का धमकाता है, कभी कुछ धमकाता है, हम लोग डर के मारे काम पे से वापस आ जाते हैं, हम लोग के लिए खाने पीने के लिए भी मुश्किल हो जाता है, हम लोग के लिए सरकार ध्यान नहीं देता है, न यहाँ प्रशासन से लड़ाई करने के लिए क्षमता। हम मोदी जी से यही विनती करेंगे, जैसे कि राशन जो इंदिरा आवास कुछ भी जो देता है गरीबों को, हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी मत दो फ्री में, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस यदि देना है तो हमारे बिहार में कंपनी बैठा दो ताकि हम प्रदेश में ना आके कमा के खाए, हम अपने गांव में कमा के खाएंगे, हमें सरकार का मुफ्त कुछ भी नहीं चाहिए बस। अरे अभी तो फिलहाल आप यहाँ कमा रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, तो यहाँ यहाँ जो आपको दिक्कतें हो रही वो बताइए। दिक्कत यही है सर कि यहाँ मजदूरी हम लोग को बहुत कम मिलता है, कम बस इतना ही मिलता है कि कमा खा लेते हैं, जो भी थोड़ा बहुत मिलता है, कहीं पे बदमाशी गिरी से पैसे नहीं देता है, कोई ठेकेदार नहीं देता है, हम लोग लड़ नहीं पाते, डर के मारे हट जाते कि भाई हम परदेशी है क्या मुंह लगाने जाए इससे, कोई डंडे मारने है प्रशासन को, हम फोन करते प्रशासन हमारा सुनता नहीं है, बस यही मेरा कहना है और क्या कहना है। हम तो यही कहेंगे, हमारे सामने यदि मोदी जी आए हमसे पूछे, हम एक ही बात कहेंगे, हमें कुछ ना दो, ना राशन कार्ड दो, राशन दो, ना मुझे मकान दो, कुछ भी मत दो, बस हमारे बिहार में फैक्ट्री दो, हम वही मजदूरी करके कमा के खा लेंगे, हमें चलिए आने का कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा सुजीता कुमारी। आप कहाँ से? बिहार से, वैशाली जिला। अच्छा, यहाँ आपको क्या क्या समस्याएं लग रही हैं? मेरा यही समस्या लग रही है कि यहाँ पे मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, कम से कम 500 मजदूर 1000 मजदूर आता है, उसमें 300-400 को काम मिलता है, बाकी 500-600 घूम के ही जाते हैं, काम उतने मजदूर को नहीं मिलता है, तो कोई 4 दिन करते हैं, कोई 10 दिन बैठते हैं, अपना
इतना कमाते हैं जो खा के अधिक कर देते हैं, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं। इससे अच्छे हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि मोदी जी से ये विनती है कि बिहार में अपना कंपनी बैठा दे और वहाँ पे हम लोग कमा के खा सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे बात करने के लिए, हमें अपनी समस्याएं बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का हमें सुनने के लिए, हमें देखने के लिए। आप गुड़गांव के आम आदमी की, जो लोग बाहर से आके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, जो लोग बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे थे। आप लोगों का क्या मानना है हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला का स्पेशल प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।